नमस्कार दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत एन एम एम एस दो हजार यानी कि राष्ट्रीय मिन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के जो कक्षा आठवींवीं अध्ययनरत छात्रों के फॉर्म हमने फिल किए थे उसके प्रवेश पत्र आ चुके हैं और उसकी परीक्षा जो है बीस 20 मार्च दो से चालू होगी तो उसके जो प्रवेश पत्र है वो हम कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे उसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं एन दो हज़ार के जो प्रवेश पत्र हमें डाउनलोड करना है उसके लिए हमें एम ऑनलाइन के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है और दोस्तों यहाँ पर नवीनतम सूचनाओं में सबसे पहली लिंक हमें दिख रही राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन तो यहाँ पर दोस्तों एन एम एम एस दो हज़ार परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तो ये जो लिंक दिख रही है सिंपल से क्लिक यर इस पर हमें सिंपल से क्लिक करना है जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा राष्ट्रीय मिन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति दो तो ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक यानी कि आपका जो आवेदन फॉर्म फिल किया था और उसमें जो आपको रिसिप्ट प्राप्त हुई थी उसमें जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर हमें डालना है छात्र छात्रा की जन्म तारीख डालनी है कैप्चा कोड डालना है और सिंपल से सर्च पर हमें क्लिक करना है तो दोस्तों जैसे हम एप्लीकेशन नंबर जन्म तारीख कैप्चा कोड डालकर जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें राष्ट्रीय मीन से कम मेरिट छात्रवृत्ति दो कक्षा आठवीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए जो है प्रवेश पत्र इस तरीके से हमें दिखेगा जिसमें सबसे पहले राज्य का नाम दिखेगा आवेदन नंबर दिखेगा उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें जो भी छात्र का रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर हमें दिखेगा उसके बाद में छात्र छात्रा की फोटो दिखेगी छात्र छात्रा का नाम पिता का नाम विद्यालय का नाम कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है वो और यहाँ पर जो भी छात्र छात्रा का पता है वो पता दिखेगा और परीक्षा तिथि दिखेगी और समय दिखेगा उसके बाद में दोस्तों परीक्षा सेंटर यहाँ पर आपको दिखेगा और कार्यालय की मुहर तो यहाँ पर जो भी परीक्षा केंद्र है उसकी यहाँ पर सील सिग्नेचर होगी इसलिए आपको अपनी स्कूल की सील सिग्नेचर नहीं करनी है उसके बाद में परीक्षा हाल में निरीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी के हस्ताक्षर तो यहाँ पर छात्र छात्रा के हस्ताक्षर जब परीक्षा होगी उस समय यहाँ पर निरीक्षक जो भी रहेंगे उसके सामने ही हस्ताक्षर होंगे उसके बाद में दोस्तों ये प्रवेश पत्र जो है दो भाग में रहेगा प्रवेश पत्र आवेदक को लौटा दिया जाएगा और ऊपर जो है ये परीक्षा हॉल में निरीक्षक के पास रहेगा और नीचे का जो भाग है ये हमें वापस हो जाएगा उसके लिए दोस्तों हमें सबसे नीचे आना है और दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पहुँचना अनिवार्य है यानी कि परीक्षा समय से आपको जो है आधे घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँचना है परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय से पंद्रह मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी इसके पश्चात परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ एम आर उत्तर सीट पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा जो भी ओ एम आर सीट है जो आपने फिल की वो परीक्षा थी अपने जो भी पर्यवेक्षक है उसको देनी रहेगी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब या कॉपी कैलकुलेटर मोबाइल फोन सेल्यूलर लॉन्ग टेबल नकल पर्चा इलेक्ट्रिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है परीक्षा हाल में ले जाने हेतु तो आवश्यक सामग्री जिसमें सबसे पहले प्रवेश पत्र केवल काला नीला बॉल पॉइंट पेन जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा इसलिए आपको बॉल पेन का उपयोग करना है सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होंगे इस परीक्षा हेतु तो कोई ऋणात्मक अंक नहीं यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है इस तरीके दोस्तों आपका ये प्रवेश पत्र है इस पर आपको प्रिंट पर क्लिक करना है और इसकी प्रिंट निकालकर संबंधित छात्र को आपको देनी रहेगी इस तरीके से दोस्तों आप अपना राष्ट्रीय मिन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति का जो प्रवेश पत्र है आसानी से घर बैठे आप डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना एम किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो हमें कमेंट्स करना हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना शेयर करना लाइक करना और हमें सपोर्ट करना तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम